मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? होप्स सब सही होंगे, है ना। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। आज है मंडे, आज हमें जाना है, आज से वापस अपने काम पे जाना शुरू करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग वैकेशन, 9-10 दिन की छुट्टी के बाद। ठीक है, अभी मॉर्निंग में यहाँ ऐसा स्मॉग हो रहा है ना, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे पूरा गला चौक हो गया, तो अभी बनाने जा रही है मैं काढ़ा पियेंगे, क्या पता थोड़ा गला सही हो जाए। दोस्तों, आप लोग भी ना काढ़ा वाढ़ा पिए ताकि आपका गला साफ रहे, क्योंकि ना बहुत इतनी गंदा पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि दिवाली आ रही है। तो आपको पता है किसान क्या जलाते हैं? पराली जलाते हैं। तो आप लोग भी बनाइए क्या कहते हैं काढ़ा और पीजिए। और यहाँ देखिए, ये देखिए, क्या क्या दांत दिखा रखे हैं इन्होंने। दिखाओ बैक, ये हलती है दिलो सेब, वो देखो दांत दिखा रखे हैं। आ जाओ जी, जुकाम लग गया हल्का सा, क्योंकि ना सुबह और शाम की ठंड तो हो ही रही है। बाइक पे आए थे हम रात को, तो उससे तो उनको चाहिए एप्पल, तो मैंने इसमें डाल लिया लौंग और काली मिर्ची पाउडर और इलायची। यहाँ इनमान हमको चाहिए सेब, देखो आगे मेरे पीछे पीछे सेब चाहिए। आपको पता है इसको सेब देने में कितना टफ टास्क है? काटो और पूरा ऐसे पीलर से इसको छिलके देना पड़ता है, छिलका नहीं खाती है। देखो उसको बेचैनी हो गई। पत्ती गुस्सा पियूंगी, ब्लैक थी और मैं पियूंगी व्हाइट थी, तो मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी चाय पत्ती। वो देखो फिर से आ गई, देखो फिर आ गई। कहाँ चाहिए टुकटुकी, कहाँ चाहिए टुकटुकी? पूरा एक एप्पल पापा ने ना रात को फोन कर लो बाय टुकटुकी, चलो अंदर जाओ। देखो सीधे अंदर जाएगी। हाँ तुलसी के पत्ते नहीं है यार, तुलसी के पत्ते होते ना बहुत ज्यादा अच्छा रहता। तो गाइस काढ़ा बन गया है, बस छान लेते हैं। सही ये तो सही चाकू लेके आ गई, तो पिला ले पकड़ लो। काढ़ा कैसा हो रहा है? रिलैक्स फील हो रहा है इससे पीने में? काली मिर्च लग रही है, पी रहे काढ़ा और मैं पी रही हूँ चाह। ये मेरी चाय, मैं टुकटुकी। डॉगी कहाँ है आपका? डॉगी खिलौने देखना ऊपर आते, इतने सारे खिलौने। ये किकी डॉगी है, ये किकी डॉगी है, ये किकी है, ये किक्का है, ये किक्का डॉगी है। अपना टॉय ले जाइए, देखो ले गई बस। गाइस मैंने यहाँ पे छिल्ली है सब्जी, छिल्ली है नहीं मतलब काट लिया, सब्जी बनेंगे आज गोभी आलू और लहसुन की छिल्ली। कौन बैठा है टुकटुकी? इधर लाओ, इधर टप में सावे लाओ। ये टुकटुकी है, कब आती हो तुम? कपड़े चुका के आ गए दोनों। गुसाई जी इतना काम मत करो यार, देखो आराम से। मैं पहाड़, मेरे फोन का पहाड़ी, मेरे फोन का झुमका है। बरसात में धोना चाहिए, पर ना गर्म पानी से ना हल्का जैसे गर्म पानी करो और ऐसे ऊपर से गर्म पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, पता है आपको? गोभी ना सही रहती है, ऐसे जितने भी कीटाणु होते हैं ना सब मर जाते हैं, क्योंकि ये फूल होते हैं ना, उसमें दिखता नहीं है कि कहाँ पर क्या है कहाँ पर। तो हम गोभी इसमें कर देंगे शिफ्ट, पानी गर्म हो रहा है उसका पानी डालेंगे इसमें। तो गाइस पानी हो गया गर्म, इसमें डाल देंगे
इसको थोड़ी देर में छोड़ दूंगी गर्म पानी में, गर्म पानी में छोड़ दूंगी इसे गोभी को, ताकि अच्छे से ये थोड़ा गुनगुने पानी में इसको ढंग से धो के साफ करेंगे। ये देखो इनको जरूर आना है किचन में, चलो आओ आओ। मुड़ मुड़ लो मुड़ मुड़, क्या चाहिए? टमाटर चाहिए? टमाटर टमाटर रखा, ये रहा टमाटर, देख रहा पहले खेलेगी। जिन लोगों का ओ मंदिर की सफाई, क्योंकि हम गांव गए थे ना तो मंदिर ऐसे ही था हमारा, बहुत ज़्यादा यहाँ ना जाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अभी मंदिर की सफाई कर रहे हैं। माता रानी के कपड़े भी चेंज करने हैं हमने, माता रानी हमारे लड्डू को पाल के। तैयार हो गई है गोभी की सब्जी, और इसको ना मैं धीमी आंच पे गैस का फ्लेम कम करके ना इसका पानी सुखाएंगे हम, बस रेडी हो जाएगी, तब हम घूमेंगे। आटा आटा मुझे तो भैया ऐसी सब्जी पसंद है, आप लोग भी बनाओ, कुकर में इतनी स्वाद। कर दिए बर्तन पूरा, देखो हमारे लक्ष्मी गणेश जी साफ कर दिए, शिव जी हमारे गोसाई जी मेरे बहुत अच्छे हैं, कामकाजी इंसान है ना गोसाई जी, गोसाई जी को ना सब कुछ करते हैं, उनको वो नहीं लगता कि मतलब बात क्या है। गोसाई जी ना बहुत कम बोलते हैं, बहुत शांत स्वभाव के इंसान है वो, तो लिमिटेड ही बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा तूफान हूँ। गिरू है, गिरू सच बोल रही हूँ ना, है देखो पूजा कर रहा हूँ, बिल चुप रहो। मैं बहुत ज्यादा तूफान हूँ, क्योंकि मुझसे ना चुप नहीं रहा जा सकता यार। मैं ना अपनी फैमिली में मतलब घर मायका मायके जो फैमिली मेरी उसमें सबसे छोटी हूँ, तो ना कभी मुझे किसी ने बोला है मतलब चुप रहो कम बोलो, पर मैंने अपने पे अप्लाई नहीं किया। कभी मैं ऐसी रहती हूँ, आपने मेरे ससुराल में भी देखा होगा, गुसाई जी चुप बैठते थे कि वो ससुराल गए हैं और मैं अपने मायके गई हूँ। तो मैं ना कोई भी रिश्ता है मेरा, जो कोई भी रिश्ता है उसको ना मैं बिल्कुल दिल से निभाना पसंद करती हूँ। मैं बच्चा जैसा बन के इसलिए रहती हूँ सबके साथ कि मतलब उस बेचारे सामने वाला जो बंदा है उसको बुरा ना लगे। हाँ कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो निभाते एक तरफ से निभाने से नहीं निभते, दोनों तरफ से निभाने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने ना हर किसी को दिल से निभाया, और मेरा ना लाइफ का मतलब अभी मेरी एज हो गई है 32 एज है मेरी, मतलब 33 हो गई है ना, क्यों 32 हो गई ना, 32 हो गई है, और अभी 27 नवंबर को मेरा बर्थडे है, तो मतलब 32 कंप्लीट हो गया, मैं 33 में चल जाऊंगी। तो 33 तक पहुंचने तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने हमेशा ना लोगों से मतलब मैंने कुछ भी कितना भी अच्छा करा होगा लोगों का, तो मुझे उसके बदले नेगेटिविटी ही मिली है। क्योंकि ना यार मैं ऐसी बंदी हूँ कि अगर मैं आपसे लड़ लूंगी और आंसू गिरा रही होंगी ना, थोड़ी देर बाद मैं आपके पास खुद आ जाऊंगी बात करने के लिए। मैं बहुत कम अपने चीज में मन में मैल रखती हूँ किसी के लिए, मतलब मैं अगर आज वो बात है तो मैं उसको आज ही खत्म कर देती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ। आगे अगर वो बंदा मुझे सामने मिलेगा तो मैं बात कर लेती हूँ उससे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर बंदा घमंडी हो, घमंडी ना हो और जेन्युइन बंदा हो, मतलब सबको नहीं देती मैं ये मौका, क्योंकि सबको इसलिए नहीं देती, जो मेरी नज़र से एक बार उतर जाता है ना तो उतर ही जाता है। हाँ जो मेरे लिए थोड़ा सा कहीं पे इंपॉर्टेंस रखता है उस इंसान को देती हूँ मैं बस। और दूसरी बात यह है कि आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या कहते हैं बताओ, मैं सब कुछ बताऊंगी, बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, बट मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए उस चीज़ के लिए। क्योंकि यार पता है क्या है, मैंने ना कभी भी कोई रिश्ता ना ऐसे नहीं निभाया फेक या कोई सिर्फ दिखावे के लिए या ऑन कैमरा नहीं निभाया है, मैंने वो हर रिश्ता ऐसे निभाया है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कुछ जो बातें लोगों ने मेरे लिए बोली है और जो नहीं बोली है, मैं बहुत सी बातें आप लोगों से छुपा भी सकती थी, झूठ भी बोल सकती थी, पर झूठ किस बात पे बोलूँ यार। मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल खुली किताब जैसी रहना चाहती हूँ आपके साथ, कि जैसे खुला किताब होती है ना बिल्कुल ओपन बुक, मैं आपको वो रिप्लाई दूंगी जो हुआ है, फैक्ट है, जो मतलब जो चीज़ हुई है। मैं झूठ नहीं बोलती भाई, साफ बात, चाहे मैं मर जाऊं पर मैं झूठ नहीं बोलती। क्योंकि झूठ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि देखो झूठ की उम्र ना बहुत छोटी होती है और सच की उम्र ना बहुत बड़ी होती है, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो मुझसे होता नहीं है। क्योंकि मैं ना अगर झूठ भी बोलने की कोशिश करिए ना, तो थोड़े 5 से 10 मिनट बाद मेरे मुंह से सच निकल जाता है,
क्योंकि यार मेरे से होता ही नहीं है कि मैं झूठ बोलूं किसी को। और दूसरी बात यह है कि बात होती है संस्कारों की। अगर आपको आपके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए ना, तो वो आप में खुद ही खुद झलकते हैं। और दूसरी बात होती है कि आप कितना ही किसी को कितनी ही इम्पोर्टेंस दे लो, अगर वो आपके साथ छल करता है ना, तो वो ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी ने आपके साथ छल करा है, आपके मतलब आपको पीछे से खंजर भूखा है, आपके पीठ पे खंजर भूखा है, तो वो चीज़ ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मेरे इतने दोस्त है ना, इतने दोस्त है, मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। शादी के बाद मैंने दोस्त लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया, क्योंकि शादी के बाद की लाइफ अलग हो जाती है। और मतलब ये होता है कि जो मुझसे मिलेगा वो मेरा दोस्त बनता ही बनता है, मेरा दोस्त बनता ही बनता है। हाँ, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं ना झुकती नहीं किसी के आगे। मैं जैसी हूँ, जो हूँ वैसे एक्सेप्ट करो मुझे, और अगर नहीं कर सकते तो कीप डिस्टेंस, डिस्टेंस बना के रखो। और पहली दूसरी बात यह है कि दोस्ती वहीं निभाई निभती है जहाँ पर आप बैलेंस बना के चल रहे हो। अब मैं एक की हाँ में हाँ मिलाते रहूँ, हाँ में हाँ मिलाते रहूँ, मुझसे ऐसा होता नहीं है। और बटरिंग मैं कर नहीं सकती। और जहाँ तक रहा जिन लोगों के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो आप लोग कमेंट्स में, उन लोगों के बारे में भी मैं एकदम ब्रीफ में बताऊंगी। हाँ, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो उसके, वो मेरे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। होगा होगी वो जो भी होगी, पर जो मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता था ना, जिसके वजह से जिसने मुझ पर बहुत बड़ा ब्लेम भी लगाया, उसको मैं क्लियर करूंगी। जो उसने किया है मैं वो भी बताऊंगी, जो मैंने किया है मैं वो भी बताऊंगी। मैं बिल्कुल ओपन नहीं रखूंगी उसको। मैं नहीं ये बोलूंगी मैं सच्चाई की मूरत, मैं देवी। जो उसने करा है देखो, क्योंकि अच्छाई बुराई ना इंसान के अंदर ही होती है। जो उसने करा है मैं वो भी बताऊंगी, और जो मैंने उसके लिए करा है मैं वो भी बताऊंगी। देखो वो जो इतना बड़ा मेरे लिए कमेंट भी आया था वो मैंने डिलीट इसलिए नहीं करा, क्योंकि देखो झूठ छुपाने से छुपता है, सच छुपाने से नहीं छुपता। पर वो जो जिस तरीके से लिखा गया ना वो कमेंट, वो गलत है। इसलिए मैंने उसको पिन पोस्ट करा, क्योंकि डिलीट कर दूं, हटा दूं, क्या फ़ायदा है। मुझे तो बताना है ना एक ना एक दिन कि हुआ क्या है। सॉरी, कोई गाली दे रहा है मुझे। ऐसा बोलते पहाड़ों में ठसका लगता है ना, कोई गाली दे रहा है। डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने हर चीज़ ओपनली बताई है। आज भी मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप ऐसे गए थे तो किसने सामान खरीदा। मैंने साफ लिखा कि उसने खरीदा है। भाई जो किया है वो बोला जाएगा। मैं अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। मैं जो हूँ जैसी हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो। अगर देखो जिसे नहीं एक्सेप्ट करना है, जिसको लगता है कि बनावटी बातें हैं, तो भाई आप नहीं देखो मेरा व्लॉग, बात खत्म। मैं नेगेटिविटी चाहती ही नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों को भी कह रही हूँ आप भी छोड़ दो, क्योंकि देखो हम थोड़ी सुधार सकते हैं भाई। जिस उसकी भी एज काफ़ी होगी, जब इंसान इतने साल में नहीं सुधरा तो हमारे सुधारने से क्या होगा। और देखो अब कोई फेक दिखा रहा है, कोई रियल दिखा रहा है, वो उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है। पर हाँ, जिसके साथ मेरे को ब्लेम लगाया गया उसके साथ मैं क्लियर पक्का करूंगी। और जो वो बंदा है उसके बारे में मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि पता है क्या होता है, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे हैं वाएं वाएं, तो वही वाला हिसाब है। तो उसको वो तो मेरे लिए क्या कहते हैं, गिनती में नहीं आती। काउंटिंग होती है ना 1 2 3 4, वो मेरे लिए गिनती में नहीं आती। हाँ, जिसके लिए मैंने बहुत दिल से किया था, जो रिश्ता था मेरा उसके साथ, और हर चीज़ मैंने दिल से निभाई थी, ठीक है। जो मुझे कहा जा रहा है कि मेरी कोई बहन नहीं है, ये वो बोला जा रहा है ना मुझे, वो चीज़ मैंने बहुत मन से करी थी, ठीक है। हम भी दो ही भाई बहन थे, मेरा भी भाई चले गया था। तो मैं ना बहुत जल्दी लोगों को वो कर लेती हूँ, मतलब जैसे लोग अपने आप को दिखाते हैं ना, मुझे लगता है लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं सामने जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। तो जैसा होता है उसको सामने वाले को भी समझेगा कि ये जो दिखा रहा है ये यही होगा, तो वो वाली बात है। तो इस पे ना मैं एक ब्रीफ ब्लॉग बनाऊंगी, जब मुझे गुसाई जी अनुमति दे देंगे, क्योंकि यार मेरे हस्बैंड को ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। और जो भी है जैसा भी है वो सामने रहते हैं, वो मुझे डांट भी रहे होंगे ना, तो मैं उसको भी काटूंगी नहीं, वो भी मैं व्लॉग में डालूंगी अगर मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो। और वो बहुत शांत किस्म के इंसान है, तो मतलब शांत रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है। तो आप लोग बोलते हो ना बोलते नहीं है, तो अभी उनकी आदत नहीं है ना। मैं पहले से मेरी बकर बकर बकरी की तरह करने की आदत है, तो मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ, मतलब बोल लेती हूँ। उनको बहुत लिमिटेड बोलते हैं, वो मेरे साथ ही लिमिटेड बोलते हैं। मजाक हंसी मजाक मैं ही करती हूँ, उनके साथ वो नहीं करते। हाँ, पर अब वो धीरे धीरे आ रहे हैं आगे, तो हर किसी को टाइम लगता है। देखो 5 उंगली एक समान नहीं होती, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। जैसे आपकी अलग होगी, मेरी अलग है, उनकी अलग है, तो यही बात होती है। धीरे धीरे आएंगे वो व्लॉग में। हाँ, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं होता जब वो कॉमेडी कर रहे होते हैं। तो यही है, अभी यहाँ पे कुछ साईं जी पूजा कर रहे हैं, मंदिर साफ कर रहे हैं अपना। गाइज देखो, और
मैं सुबह पूजा इसलिए नहीं करती यार, और सुबह सुबह इसलिए नहाती क्योंकि ना अभी गांव से आए एकदम से, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा लो तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो इसलिए अभी मैंने नहाया नहीं है, सब्जी बनने के लिए रख के आई हूँ मैं। तो देख के आते हैं सब्जी का सूरत हाल। मैं गोभी की सब्जी फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये मेरी गोभी की सब्जी है भाई, मुझे तो ऐसी ही पसंद है, आपको कैसी पसंद है आप बताना। अब आटा गूंथ के रोटी बनाऊंगी। गोभी की सब्जी ना इसको पूरी के साथ खाना, इतनी स्वाद होती है ना, इतनी स्वाद, पूरी बनाना पूरी के साथ, गरम गरम पूरी के साथ खाना है इसको। पर हम तो बनाएंगे रोटी क्योंकि बहुत दिन से पूरी पकौड़े ही हो रहे हैं। गांव में भी पूरी खाई थी, पापा ने भी पूरी बनाई थी, ये वाली बात है। मंदिर तो साफ कराया पर उन्होंने कपड़े चेंज इसलिए नहीं करे क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस दिन तुम फास्ट करोगे उस दिन करेंगे कपड़े चेंज। तो ये देखिए मंदिर पूरा चकमका गया है हमारा। ये हमारे जय भोलेनाथ, और ये देखिए कितने सुंदर हमारे लक्ष्मी गणेश हैं। गोसाई जी ने सब चमका दिया, मेरे कान्हा जी देखो। और जो बोलते हैं ना कि भगवान बताएगा, तो भगवान ही बताएगा, उसको तो छोड़ दो। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि वो जो जिसके साथ, जो मेरे साथ उससे पहले थी, उसके बारे में मुझे पक्का बताना है। क्योंकि इसलिए बताना है क्योंकि उसने तो बोल दिया, पर मेरा तो रह गया ना, मैं तो अपनी तरफ से बोलूंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, तो यही है। और दूसरी बात देखो, दोस्ती ऐसा शब्द होता है ना, पता है जब हम दोस्ती बोलते हैं ना, आंखों में खुद ब खुद आंसू आते हैं। अगर आप किसी को दोस्त प्यास मन से मानते हो तो आप उसका जब नाम लोगे, आप जब दोस्ती बोलते हो ना, तो आंसू आ जाते हैं आंखों में। तो दोस्ती होती है ऐसी। और मेरे दोस्त लिमिटेड भी है, बहुत सारे हैं पर लिमिटेड है, और ऐसे हैं कि मतलब अगर मैं उनको एक बार बोल दूं ना कि मुझे ऐसा करना है तो वो मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे इतना भी भरोसा है अपने दोस्तों पे। ठीक है, तो जिंदगी में दोस्त बहुत कमाए हैं मैंने, और इतने दोस्त कमाए हैं कि आप बोलते हो कि बोल रही है पर कभी दोस्त दिखाए नहीं है। दोस्त इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि मैंने ना, सबके अपनी लाइफ है, सब ऑफिस जाते हैं, मेरी शादी हो गई तो सब अपने अपनी लाइफ में बिजी है। पर हाँ, कभी हम लोग गैदरिंग वगैरह रखेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। वो रखते हैं गैदरिंग, बस मैं नहीं जा पाती क्योंकि यही होता है, कभी गुसाई जी की छुट्टी नहीं होती या फिर कुछ भी होता है। क्योंकि ना आप पता, जब से शादी हुई ना, कहीं भी अकेले जाना मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं सोचती हूँ गुसाई जी मेरे साथ होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा आप लोगों के साथ थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे टिप्स दिया करूंगी आपको, जैसे लिपस्टिक की टिप्स दिया भी बोल लें। कुत्ते की पूछ हमेशा सीधी टेढ़ी रहती है, सीधी होने वाली नहीं है, तो फायदा कुछ है नहीं। और बोल के क्या बताना है, सबको तो सब कुछ पता ही है, इसलिए बोलना मैं चाहती नहीं। और जिसके लिए बोलना चाहती हूँ उसके लिए तो मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि यार देखो जब चीज मैंने मन से मानी है ना, और जब मैंने चोरी नहीं करी है तो बोलने में कैसे शर्म। जो हुआ है, अगर मुझे छुपाना होता था ना, तो मैं कमेंट्स में इतना बड़ा कमेंट नहीं लिखती जो आपने मुझसे पूछा कि उसके वहां जाके किसने क्या किया था। होता तो मैं भी बोल सकती थी मैंने किया था, कमेंट में लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, पर जो सच है मैं से वही बताऊंगी। तो बस आप लोग ये व्लॉग पूरा देखना, ठीक है। और अब जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा इसके बाद, तो शायद हो सकता है उसमें मैं रिवील कर दूं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो ये रिवील इसलिए करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि यार पता क्या होता है, जब तक आप अपने मुंह से शुद्ध नहीं बताओ ना, तो लोगों को सच्चाई पता नहीं चलती। और ये सच्चाई इसलिए नहीं कि मैं बहुत महान हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए कि सामने वाले को भी पता चलना चाहिए कि भाई तुमने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, चाहे वो मेरे ब्लॉग देखती है चाहे नहीं देखती होगी, पर उसे मुझे बताना जरूरी है कि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो बहुत गलत चीज है। बस यही है। तो आगे ब्लॉग करते कंटिन्यू, मिलते थोड़ी देर के बाद। जय गुरु जी, हमारे घर गुरु जी आए हैं। आ तो बहुत पहले ही गए थे, पर गुरुजी आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम लगा हम आज रहे हैं गुरुजी को, तो गुरुजी आ गए हमारे घर। ऐसा है, ये अखरोट है और ये इनका वो है सीड्स का मिक्सचर, और ये बादाम और डेट्स, और वहाँ पे रखा है इनका दूध का ग्लास। आजकल गुसाई जी अपने लिए हेल्थ को लेके थोड़े क्या है, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो आप हैं। हाँ, गुसाई जी रेडी भी हो गए। उसको चैन नहीं आ रहा बाहर। तोड़ी ना मेरो मन, आहा मोहना तेरी मुरली गाजी ग्वाल वालो पास। बाहर पटाखे फूट रहे, टुका के डर के मारे बत्ती बनी हुई है। इसके लिए कारपेट मंगाया है जमीन के लिए, मतलब यहाँ पे बिछेगा तो आने वाला है कुछ टाइम बाद, है ना। गोसाई जी सॉक्स पहन के तैयार हो रहे हैं आप। ये अपने बैकपैक, बाय बाय गोसाई जी।
दोस्तों को भी बोल दो बाय बाय दोस्तों ऊपर नहीं जी से पहले तैयार ऊपर जाने के लिए गुट्टू का डाला है तुम मुझे चौके चले गए बाय गुसाई जी जल्दी आना बाय बोला देखो तुक तुक यार मैं गल में ले गए टुक्कू इधर देखो इधर देखो इधर देखो तुक तुक की मम्मा की लिया मैंने फाइनली सर धो के क्योंकि ना यार ऑयलिंग करती हूँ ना जिस दिन उस दिन मैं लेट ना आती सोचती हूँ और थोड़ी देर ऑयल रह जाए तो मेरी नंद आ रही है मैंने कहा था ना देवर या नंद में से कोई आएगा गाँव का सामान लेने तो कल मैंने मंगाया ये आज मैं यूज़ करूँगी ये अपने तो मैंने क्या क्या मंगाया दिखाते मैंने एक मंगाया है पॉपकॉर्न फ्राइज एक मैंने मंगाया है फ्रेंच फ्राइज पेपर क्रंच एक मैंने मंगाया है स्माइली और एक मैंने मंगाया है वेज फिंगर और मैंने ये ट्राई करना है अंदर आओ बे रखो यहाँ पे तो गाइस गांव में बड़ी नंद आई थी और अब यहाँ आई है छोटी नंद नमस्ते नमस्ते गई मैं ड्यूटी करके सीधे ड्यूटी से आ रही है ये सैफ होटल में बनुन सैफ कैसे बोलते गाना कैसे लुल कैप जब तक दी वेली पढ़ाई तब तक ना कोई ऐब तुम्हें याद इच्छा है मेरे जिगरी हम दगड़ा को लूटी सिखा दांत बंद कर हैं दांत दिखा रही कितने से दिखा और खाएगी पूछना देखो हंसी गया ठीक है एयर फ्रायर में ही कर रही हूँ मैं सही हो रहा है तो हम भाभी नंद की होगी पार्टी और नीचे जो गले में ना हमें बिल्ली बनी थी चबा चबा के बिल्ली का मुंह ही गायब कर दिया बिल्ली का वो चाकू लगा पार्टी हम पार्टी कर रहे हैं गाइस ये मेरी सबसे छोटी नंद है संतु महाराज चेयर्स संतु महाराज शक्ल मिल रही ना बड़ी वाली दीदी से हम लोग खा रहे हैं अभी यहाँ पर आज हमने गुसाई जी के उसका उद्घाटन करा है क्या बोलते हैं उसको एयर फ्रायर का तो ये सब बनाया है मैंने बनाया नहीं है मैंने मंगाया और उसमें फ्राई कर दिया क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है गाइस अब जा रही है संतु मैडम घर घर की ओर जा रही है मैंने कान में पाइनएप्पल पहना है हाँ तो कब ये जा रही है अपने घर की तरफ ये दो मिनट के लिए आई थी कुछ काम से तब निकलो यहाँ से चलो जाओ भागो यहाँ से नहीं हम बैठ रहे हैं तू क्या आ रहा है तो ये जा रहे हैं डुगा को देखना पहले तैयार हो रखी है जाने के लिए चलो चलो हाँ उसको पता है ना हम जा रहे हैं अंदर आराम से आना संतु ठीक है कॉल कर देना मुझे उसको देखो उसको देखो उसको देखो बाहर आओ अंदर आओ छत पे भाग जाएगी ये ठीक है बाय तो सुबह की हमारा कारपेट आने वाला है तो आ चुका है कारपेट ठंड आते ही ठंड की तैयारी आने वाला है कारपेट तो गुसाई जी का कारपेट वहाँ भी आ गया है ये देखिए अब गुसाई जी खुद ओपन करेंगे दोस्तों आ गए हैं गुसाई जी के लिए गिफ्ट आया आज मैंने तुम्हारा गिफ्ट आया पूरा एप्पल खाया ये नहीं मिलेगा आपने खा लिया ना अपना एप्पल चल गया
चल क्या कहाँ गया ये रहा चल क्या ठीक है कहाँ है ये एप्पल है ये एप्पल है ये एप्पल है टुक टुक की डम करो डम जम 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 ऐसे करो पहले ऐसे करो करो पहले करो पहले नो पहले करो डम डम करो डम जम जम गुड गर्ल अभी आपने एप्पल खाया ना पूरा एक देखो ऐसा मंगलसूत्र पहना है तो ये आर्टिफिशियल पर बड़ा कूल लग रहा है देखो इसमें एयरिंग है और ये मंगलसूत्र है मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं बनाए हैं आलू मटर की सब्जी 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 बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पानी आ रहा है मेरे मुंह में मुझे बहुत पसंद है आलू मटर 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 आ गए हाय तो बोलो हाय दोस्तों टॉवल गरम पानी गरम पानी खाना बन के हो गया रेडी बहुत दिन से हमने भात नहीं खाया तो आज हम भात बनाया है और मैंने जैसे आपको दिखाया था कि आलू मटर की सब्जी बनाई है और थोड़ी गोभी की सब्जी सुबह की बची थी तो गुसाई जी भी आ गए बोलो आ जाओ भात खाने दोस्तों आ जाओ भात खाने सुना प्यार से दोस्तों आ जाओ भात खाने आलू मटर की सब्जी किस किस के मुँह में पानी आया जरूर बताना और गोभी की सब्जी उसमें और चावल है खा लेते हैं उसके बाद मिलेंगे गुसाई जी की लग चुकी है वेब सीरीज साउथ की वेब सीरीज दिख रहे क्या नाम है वेब सीरीज का मूवी है आई रावण मूवी का नाम है आई रावण बहुत अच्छी मूवी है आप भी देखना सस्पेंस है थ्रिलर है नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं और मुझे तो ऐसी मूवीज पसंद है तो आप भी देखना मजा आएगा आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद आलू मटर की सब्जी और चावल खाएंगे हम ये रहा देखो आलू मटर क्योंकि बहुत दिन से दिमाग खराब हो रहा था यार मन कर रहा था कुछ ऐसा खाने का और ये है गोभी आलू गोसाई जी खा रहे हैं ससुराल का मिर्च का अचार हाँ हाँ मुझे तो चाहिए तो मैं अपनी थाली लगा रही हूँ अब मैं खाना खा लेती फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद गाइस हमने खा लिया था खाना और पी लिया था पानी तो गाइस खाना खा लिया था फेस वॉश भी कर लिया मैंने मैंने आपको चारकोल फेस वॉश दिखाया ना आप भी यूज़ करो बहुत अच्छा इफेक्ट है उसके मतलब देखो मेरे फेस थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है जो फट रहा था ना थोड़ा थोड़ा टैनिंग भी कम हो गई है दिख ही रहा होगा आप लोगों को तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में और गुसाई जी भी बोलेंगे आपको गुसाई जी गुड नाइट सबको गुसाई जी इतना ही बोलते हैं बाय बाय गुड नाइट सबको तो गाइस जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ उनसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप एक व्यू दे रहे तो एक सब्सक्राइबर भी दे के जाइए मुझे देखो कैसे मांग रही हूँ मैं तो आपको अगर मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप मुझे लाइक करें तो ही मुझे सब्सक्राइब करें मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो देख के हंसी आए जो लोग मायूस बैठे रहते हैं उनको मैं हंसी दिलाने की कोशिश करती हूँ तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और मुझे फॉलो करें और मुझे आगे बढ़ाए तो बाय बाय गाय